जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है कुछ इस तरीके से, चल करके आता है बी वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जो पथ की कुल लंबाई है, ये जो ट्रेवल किया जा रहा है किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। लेकिन अगर हम वही पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की न्यूनतम डिस्टेंस की बात कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो न्यूनतम डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे विस्थापन। किसी भी वस्तु के द्वारा जो न्यूनतम दूरी तय की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मान लेते हैं कि ये वस्तु पॉइंट ए से चल करके बी तक गया, ठीक है, तो ये इसके द्वारा तय की गई जो विस्थापन है वह धनात्मक हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक रिवर्स आ गया सेम पॉइंट पर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर विस्थापन का वैल्यू क्या जाएगा? शून्य जाएगा। और अगर पीछे की ओर जाता है तो यहाँ पर विस्थापन का वैल्यू नेगेटिव जाएगा। इसका मतलब है कि विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, उसका वैल्यू आपका पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है और शून्य भी जा सकता है।